गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई नेम इज़ रमनदीप कौर ये लेक्चर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारी नेक्स्ट मॉडर्न टेक्नी मॉडर्न मैनेजमेंट की टेक्निक्स है वो करेंगे वो है टी क्यू एम टी क्यू एम का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ठीक है तो हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मीनिंग फीचर करेंगे राइट तो मीनिंग इसका क्या है द कंसेप्ट ऑफ टी क्यू एम जो है वो डिवेलप किया था डॉक्टर डबल्यू ई डाइमिंग ने नाइनटीन सिक्सटीज में जापान में ठीक है तो जो टी टी क्यू एम है वो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो फोकस करती है प्रोडक्शन की हमने हमारी जो गुड्स और सर्विसेज हैं जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है वो बेस्ट हो जिसमें है ना कॉन्टीन्यूसली या कॉन्स्टेंट हम इनोवेशन करें टाइमली एक्शन लें ठीक है तो टी क्यू एम क्या है कि हमने बेस्ट जो हमसे हो सके उतना बेस्ट जो पॉसिबल प्रोडक्ट है जो सर्विसेज है वो हमने प्रोवाइड वाइड करानी है हमारे कस्टमर को तो ये जो हमारा टीक्यूएम है वो इसका मेन एम्फसाइज़ मेन फोकस जो होता है वो होता है प्रिवेंशन ऑफ एरर प्रिवेंशन मींस के रोकथाम जो एरर्स आ रहे हैं उनकी रोकथाम करना रादर देन रेक्टिफिकेशन उनमें सुधार करने की बजाय हमने उनकी रोकथाम करनी है राइट right? तो डेफिनेशन क्या है टीक्यूएम की टीक्यूएम टी क्यू एम इज अ मैनेजमेंट अप्रोच डेट प्लेस इज इम्फेसाइज ऑन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ इट कस्टमर क्या कह रहे हैं कि टी क्यू एम इज एक मैनेजमेंट की अप्रोच है जिसका मेन फोकस जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर राइट right? कि जो भी हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट और सर्विस की उसकी कॉन्टिन्यूसली हमने उसको इम्प्रूव करते रहना है ठीक है इन द इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए और कस्टमर के इंटरेस्ट के लिए दोनों के इंटरेस्ट के लिए हमने कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में क्वालिटी की करते रहना है ठीक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल मीन्स के पूरा एज होल क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट में हमने क्वालिटीज लगाई है और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि चीजों को मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट करना तो टोटल क्वालिटी का मीनिंग क्या हुआ कि हमारी जो क्वालिटी है पूरी क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की उसको हमने कैसे मैनेज करना है ताकि उसमें कम से कम एरर्स आए ठीक है कोई डिफेक्ट्स ना आए राइट नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग आर सम द फीचर्स ऑफ टी क्यू एम की फीचर्स हमारे पास क्या है फर्स्ट है कस्टमर फोकस तो जो टी क्यू एम है उसका मेन जो एम्फोसाइज होता है मेन फोकस जो होता है कि हमारे जो कस्टमर है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो कस्टमर है उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको मीट करना उनको फुलफिल करना इसलिए जो हमारे कस्टमर्स हैं Uh, हमारे जो एक्सटर्नल कस्टमर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो कस्टमर हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा जो हमारे इंटरनल कस्टमर हैं उनकी नीड जो है उनको मीट करना ज़रूरी होता है अगर हम अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स की नीड्स को फुल फुलफ़िल uh, करना चाहते हैं तो जो इनिशियल जो फोकस होता है वो किस पर होता है कि मीटिंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कस्टमर जो इंटरनल कस्टमर है उनकी नीड्स को पूरा करना ताकि हम एक्सटर्नल कस्टमर्स की नीड्स जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सके राइट जो सेकेंड हमारा है वो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कॉन्टिक्यूम जो है वो एक कॉन्टीअस प्रोसेस है ठीक है कॉन्स्टेंट एंड कॉन्टीन्यूस जो अगर एफर्ट्स हम लगाते हैं हमारी क्वाल इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को तो उससे क्या होती है हमारी जो इंटरनल कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस होती है तो जो टोटल क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट जब हम करते हैं वो हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि जो चैलेंजेस होते हैं कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स के चैलेंजेस हैं उनको फेस कर और जो भी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर्स की उनके साथ मीट कर पाएं, उनको हम पूरा टी क्यू एम का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर न्यू एंड बेटर वे ऑफ डूइंग हमेशा ही ये पॉसिबिलिटी हो जाती है होती है कि हम न्यू एंड बेटर वे जो है वो फाइंड कर सके चीजों को करने के लिए राइट right? थर्ड पॉइंट इज डिफेक्ट फ्री अप्रोच जो है वो डिफेक्ट फ्री अप्रोच पर काम करती है ये इसका मेन फोकस यही होता है एक्सरसाइज होता है कि डिफेक्ट फ्री वर्क करना है हमने हर एक टाइम पर तो जो भी डिफेक्ट फ्री अप्रोच होती है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा जो हमा, हम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो राइट फर्स्ट टाइम पर ही है ना राइट आई वर्किंग स्मार्टर एज राइट फर्स्ट टाइम वर्किंग स्मार्टर की हम स्मार्ट काम कर कर फर्स्ट टाइम पर ही उसको बेस्ट ले आए और जीरो डिफेक्ट्स हो हमारा जो हमने प्रोडक्ट और सब्जी से प्रोड्यूस किया उसमें कोई भी डिफेक्ट्स ना हो रेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इम्प्लॉय एम्प्लॉयज़् इन्वॉलमेंट है ना इम्प्लॉयज इन्वॉलमेंट ट्यूकि हम क्या है हर एक को इन्वॉल्व करता है इस प्रोसेस में ठीक है जी मैनेजमेंट से लेकर मैनेजमेंट के डायरेक्टर से लेकर जूनियर स्टाफ तक जूनियर क्लर्क और वर्कर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन उन सारों को इम्प्लॉय uh, को इन्वॉल्व करता है ट्यू में सिर्फ जो मैनुफैक्चरिंग के पीपल होते हैं उनको ही इन्वॉल्व नहीं करते कि सिर्फ है ना मैनुफैक्चर क्वालिटी प्रोडक्ट हमने बनाना है उसी चीज़ को मैनुफैक्चरर्स को इन्वॉल्व नहीं करते इसमें अकाउंटिंग फैनानस मार्केटिंग और पीपल सबको इन्वॉल्व किया जाता है टी में हर एक जगह से हमने जो है क्वालिटी इंप्रूव करनी है चाहे वो फिनांस के रिलेटेड हो हमने ऐसे करने कि हमने हम, ऐसे क्वालिटी को मैनेज करना है कि हमारी क्वालिटी हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी सारी चीजें इसलिए सबको ही इंक्लूड करना है राइट चाहे वो बंदा डायरेक्टर हो और चाहे वो बंदा है ना जूनियर क्लर्क ही क्यों ना हो राइट सबको इन्वॉल्व करना है टी क्यू एम प्रोसेस में राइट फिफ्थ पॉइंट इज रेकनाइजेशन एंड रिवॉर्ड जो और रिवॉर्ड होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कंपनी का टी क्यूएम प्रोग्राम होता है ठीक है तो पॉजिटिव री एनफोर्समेंट जो होती है रेकोगनाइजेशन और रिवॉर्ड जो है वो इन जरूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए क्वालिटी को और अचीवमेंट्स को और ठीक है कि हमने जो भी मेंटेन करके रखनी है इसलिए हमारे लिए पॉजिटिव रिकोग्नाइजेशन इन वर्ल्ड का होना जरूरी है अगर आप अपने अचीवमेंट्स जो है उनको मेंटेन करके रखना चाहते हो क्वालिटीज को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो ठीक है नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज सिनर्जी इन टीम वर्क सिनर्जी इन टीम वर्क जो है वो ग्रे जो जैपनीज के ग्रेट बिलीवर थे वो, वो uh, बिलीव करते थे सिनर्जी में सिनर्जी मीन्स टू टु वर्क टुगेदर कि हमने इकट्ठे काम करना है ठीक है इकट्ठे मिलजुल कर काम करना है चाहे वो इंजीनियर हो टेक्नीशियंस हो और वर्कर हो वो एक दूसरे को अपने एक दूसरे के साथ वो इक्वली कम्युनिकेट करें ठीक है तो वो क्या होता है कि चाहे इंजीनियर हो टेक्नीशियन हो वर्कर हो सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम में काम करना है राइट सेवंथ पॉइंट इज़ टेक्निक टी क्यू एम जो है वो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं जैसे कि क्वालिटी सर्कल वैल्यू इंजीनियरिंग स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इन्वॉल्व किया जाता है तो इसकी इन टेक्निक्स की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है कि आप अपना जो इम्प्रूव कर सकते हो सिस्टम और प्रोसीजर्स को एर्थ पॉइंट इज सिस्टम अप्रोच टी क्यू एम जो है वो सिस्टम अप्रोच है तो uh, क्या करने के लिए मैनेजिंग द बिजनेस एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस टी क्यू एम की अप्रोच की से हम मैनेज कर सकते बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकते अपनी परफॉर्मेंस को ठीक है बिना टोटल क्वालिटी कमिटमेंट के विदाउट द टोटल कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ही सीनियर एग्जीक्यूटिव टी क्यू एम के नॉट टेक ऑफ अ गुड स्टार्ट ठीक है कि किसी हमारा जो टोटल कमिटमेंट हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनकी टोटल कमिटमेंट के बिना जो टी क्यू एम है वो अच्छे से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है ठीक है तो ये था आपका टी क्यू एम का सारा कंसेप्ट हमने जो हमारी नेक्स्ट मॉडर्न मैनेजमेंट की टेक्निक थी वो हमने कर ली है ठीक है अगर आपको टी क्यू एम के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे थैंक यू क्लास